सीट बेल्ट लगा हुआ है। सीट बेल्ट तो आपकी प्रॉपर्टी है, वो कागज के साथ उसमें कोई पैसा नहीं भरना है, वो आपको कंपनी की तरफ से दे सकता है, तो आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? पत्म ब्या सवारी बन अमिश तक आसान सो हेलमेट क्या चुनो तुम दिवान रूल हिसाब तुम वह पे खे अवेरनेस चलान बह अल्लाह ताला बचन अगर दब लगे जंग लगे नरि लगे हेकि बचित अगर कलस ही टास् कहें हेकि बचित इंसान लिहाजा तुम समझू आज दुश्मन कह आपके पास हेलमेट नहीं जो रूल के हिसाब से बनता है वो हम कर लेंगे। ये हमारे ऑफिसर साहिबान जो है खासकर हमारे आईजी साहब है उन्होंने 15 दिन के लिए एक स्पेशल ड्राइव रखा था खासकर ये पैसेंजर व्हीकल्स जो ओवरलोड करते हैं, दूसरा ये मोटरसाइकिल जो गलत राइडिंग कर रहे हैं विदाउट हेलमेट कर रहे हैं, तो दूसरी वो रैश ड्राइविंग हो रही है उसके जो ड्रग लेते हैं उसके लिए है। खासकर हमारी यही आपसे यही हमें बार बार हिदायत मिलती है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यूथ के लिए हमारी यही है कि हम उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मतलब तो यूँ कि एक पौधा जब हम सींचते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, खासकर ये माँ बाप के लिए एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करो कि बिना हेलमेट के बिना लाइसेंस के बिना डॉक्यूमेंट के मत निकल जाए। इसमें मुझे लगता है कि घर के वालिदैन इस पर गौर फिक्र नहीं करेंगे तब तक हम भी ये ड्राइव चलाते रहेंगे, घर वालों को परेशानी हो जाएगी, इनको भी परेशानी हो जाएगी। हमने बाइकर्स के ख़िलाफ़ किए हैं कुछ बाइक, मेरे ख्याल में 4-5 बाइकें हमने सीज भी कर दी, ओवरलोड पैसेंजर उसमें भी चालान कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये 15 दिन तक जारी रहेगा।